ACM Studio presents. इतने में बात सीता ने सुनी, सीता दौड़ के आई कि मैया मुझे बड़ा दुख है। क्या? राम जी वन में जा रहे हैं उस बात का नहीं, लेकिन राम जी की मौजूदगी में आपसे बात कर रही हूँ। बहुएं ध्यान दें, कितनी ऊंची बात माँ जानकी की, कितनी ऊंची बात। हाउजी उमा थका है और मारा पति हूँ, बात कर रू हूँ, अंडो दुख है मुझे, अनिवार्य है रोई रोई। आज कल यहाँ हाउजी उपर हाउजी के वड़ा जी उपर तो किधर सजाई रहा सालन बड़ा 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 दानों मार। ये देखिए आप, इस मर्यादा को देखिए आप, ये रामचरितमानस की मर्यादा है कि मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि आपके सामने आज मैं रागों से बात कर रही हूँ। मैं रागों के बिगड़ नहीं रह सकती। राम कह रहे राजकुमारी सिखा न सुनो, राजकुमारी जनक के महलों में पली और यहाँ भी महलों में कभी गद्दे से पैर नीचे नहीं दिया। जंगल तेरे योग्य नहीं है, वहां तो कंकड़ पत्थर में चलना पड़ेगा। जा मेरे राम है, वहां मेरी अयोध्या है। प्रभु अगर आप मुझे यहाँ छोड़ के जाओगे तो मैं मेरा प्राण त्याग दूंगी। राम कहने लगे चलो करो तैयारी। ये समाचार जब लक्ष्मण पाए दौड़ते हुए आए, ये क्या हो गया प्रभु, मैं क्या सुन रहा हूं? क्या भाई बात तो सही है, मैं भी आ रहा हूं। नहीं तू कहां है? यहाँ भरत और शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी की तबीयत खराब है, तो पीछे कौन है? नहीं मैं नहीं रुकने वाला। पिताजी माताजी के मारे तो भाई भाई जी आप मारी माँ थारे पिता राम है और माँ जानकी है। मेरे तो माता पिता ही आप हो, मैं और किसी को नहीं जानता। और अगर आप नहीं माने और मुझे छोड़ के चले गए, आप सरयू पार होते मैं सरयू में डुबकी लगा लिया। के बाद तेरी माँ से आज्ञा लेकर के आते, माँ आज्ञा तो दे देगी प्रभु, वो चिंता मत करो। वो किसकी माँ है? लखन की माँ है। वो मना नहीं कर सकती। सुमित्रा के पास गए, कहा माँ क्या बेटा बोल, मेरे प्रभु वन को जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। के बेटा प्रभु वन को जा रहे हैं? सुमित्रा को तो अभी पता ही नहीं कि हाँ कि वाह बेटा वाह। ओ जिदारत तुम्हारी मातु बहने तुम्हारी मातु बहने और राम सब बाती सने सब बाती सने अब कहा बेटा, तेरी माँ जानकी और तेरे पिता राम है। हे बेटा जा, तेरी अयोध्या भैया जा, तेरा राम है।
और वही तेरा दिन है, वही तेरी रात। हे माँ, ये सब खेल खेल कहीं ने बिगाड़ा, मजली मार खेल कहीं ने सारी खेल को बिगाड़ दिया। ओहो, उसी समय सुमित्रा ने कहा, बेटा अगर तो सुमित्रा नंदन है, सुमित्रा का दूध पिया है, तो जीवन में कभी तू सपने में भी परदोष को नहीं देखेगा। ये सुमित्रा का आदेश है। जब तक तू जंगल में रहेगा, कि माँ ये लखन तेरे सामने प्रतिज्ञा करता है, मैं जब तक राग वन में रहूंगा, मैं सोऊंगा, नींद भी नहीं निकालू तो सपना आएगा कहां से? वारे लखन, क्या लखन का त्याग? कहा भैया तेरा आज्ञा सिरोधार्य, मैं 14 वर्ष नींद नहीं निकालूंगा, सोऊंगा ही नहीं तो सपना आएगा कहां? बाबा जी तुलसीदास जी ने तो इसका नहीं दिया, लेकिन बाल्मीकि ने आनंद रामायण में लिखा है कि लखन जी उर्मिला के पास गए और जाकर के आवाज दी, उर्मिले। तो उर्मिला उस समय में क्या कर रही थी? चित्र बना रही थी। रघुकुल में दो स्त्रियां चित्र बनाने की कारीगर थी, एक तो कैकेयी और एक उर्मिला। तो उसकी दासी सीमा नाम की दासी के हाथ में रंग का कटोरा था और वो कलम से चित्र बना रही थी। तो लक्ष्मण ने एकदम आवाज दी तो वो चित्र बिगड़ गया। दौड़ के आई, कलम भी हाथ में, दौड़ के आई कि स्वामी, इतनी जोर से आवाज क्यों दी? कि उर्मिला क्या हुआ? कि स्वामी चित्र बिगड़ गया। कैसा क्या चित्र बिगड़ा? कि मैं प्रभु श्री राम और माँ जानकी के राज तिलक की जानकी का चित्र बना रही थी, कि उर्मिले वो हकीकत में बिगड़ गया है। तेरे तो रंग का चित्र बिगड़ा है, लेकिन वो चित्र हकीकत में बिगड़ गया है। मैं वन को जा रहा हूँ, बस 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 इतनी सी बात थी। और लखन तैयारी कर ली, केके के पास गए और केके को कहा, माँ, अरे हे माँ, तेरा राम ये वनों को जाता री माता, राम वनों को जाता री माता, अब राजा बनेगा मेरा छोटा Thank you.
अब मैं जटाओं का मुकुटी बनाना मेरी माता प्रभु जो गेट में भगवान जा रहे हैं प्रभु राजा जी को होश आ गया। राम जी दौड़ के चरण स्पर्श किया और उनका वल्कल वस्त्र देख करके राजा और घबरा गए। बेटा ये क्या कि बेटा वन का राज तुझे मिला है, जानकी को कहां ले जा रहा है, लखन को और दोनों को यही छोड़ दे, ये दोनों नहीं मानते, तू मना कर दे। राजा कह रहे तू मना कर दे। राजा ने अपने मुख से राम को नहीं कहा कि तू वन में जा। राम जी प्रणाम करके निकल गए क्योंकि मोहवश सुमंत जी को पास बिठाए। राजा ने कहा कि सुमंत ओ जिले रात जावो राम के साथ वन देखाई सुरसरी कानवाई वन देखाई सुरसरी कानवाई आने थे हम दो और बन दिखा करके 10-14 दिन घुमाओ घुमाओ करी गंगा जी में स्नान कर राम जी ने बाजा लिया जा रहा रथ लेकर के सुमंत जी गए
और जो ही राम जी की ये घोषणा हुई सारी अयोध्या राम जी के साथ, हम अभी अयोध्या में रहेंगे। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन अयोध्या नहीं मानी। मेरे जहां में हमारे राम है वहीं हम सभी साथ हो गए भगवान के। भगवान बहुत समझा रहे हैं लेकिन नहीं माने। चलते 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 प्रथम दिवस तमसा नदी के तीर पे रहे। तमसा नदी के किनारे रेत में एक पत्थर का तकिया बना करके प्रभु बैठे हैं। जानकी पास में बैठी है, लखन रो रहे हैं दूर बैठे बैठे। जानकी ने कहा प्रभु लखन बुलाया, लखन क्यों रो रहा के बाप ने तेरी दशा देख के रो रहा हूं। मैंने मेरे बाप को ऐसे कभी नहीं देखा है। इस स्थिति में बाप मैंने आपको नहीं देखा इसलिए मुझे मेरी आंखों में ये आंसू इस वजह से आ रहे हैं। पहली बार ऐसी स्थिति में मैं आपको देख रहा हूं। तो अब प्रथम दिवस वहां रुके। भगवान ने कहा कि अब इन प्रजा को कहां साथ ले जाएंगे। भगवान अपने सुमंत जी को कहने लगे कि तात सुमंत ऐसे रथ चलाओ, खोज मार रथ हाकऊं ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। रथ के खोज रथ के पहिए के निशान नहीं बनने चाहिए, ऐसे रथ चलाओ। सारी प्रजा को सोते हुए छोड़ करके भगवान आगे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। सुबह पहले प्रजा उठी, उठी भी देखा न बटे राम जी, न जानकी, न लखन, न सुमंत, कोई कोई क्यों भगवान हमको छोड़ के चले गए। तो सभी अयोध्यावासी जितने भी प्रजावासी थे उन्होंने प्रण लिया कि जब तक प्रभु नहीं आएंगे तब तक व्रत करेंगे, एक समय भोजन करेंगे। वापस अयोध्या में आते हैं प्रजावासी और भगवान आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। कहां पर? श्रृंगवेरपुर, गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के किनारे श्रृंगवेरपुर। निषाद राज गुह की राजधानी, ओ जी सब यशदी गुह निषाद जब पाई, यशोदी गहू निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल बेट वरिवारा, मिलन चले उही हर सुपारा। निषाद राज ने यशोदी पाई, खबर पाई कि प्रभु आ रहे हैं। निषाद राज का ऐसा कैसे हो सकता है? करी दंडवत भेंट धरिया जे, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो गुरु वशिष्ठ का आदेश है कि सात नदियों का जल लेकर के जाना है आज राम जी का राज्याभिषेक है। और राम लीला कैसे के दादा सत्य है, चक्रवा सत्य है। तो मिलन गया वो सब सहित समाजा, यानी अपने सभी भाई बंधुओं को सभी को खबर कर दी कि भगवान आ रहे हैं। अरे एक बार आव जो प्रभु, ओ मारे गावड़े ओ मारे।